हेलो मित्रों, इस वीडियो में हम करेंगे लेसन टू। लेसन टू का नाम है द मून यानी चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा आप सबने रात को जरूर देखा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो वीडियो की क्वालिटी है वो इंक्रीज कर लें जिससे आपको क्लियर दिखे। ठीक है, तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर पर नज़र डालेंगे। ये जो है एक पोएम है, ठीक है, जो चंद्रमा जी के बारे में है, चांद के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले एक्सरसाइज में आपसे कहा गया लिसन एंड रिपीट, तो इनको आपको पढ़ना है और रिपीट करना है। ठीक है, अगला है बर्ड पावर में क्या लिखना है, कंप्लीट दिस सेंटेंस। तो देखो द मून लाइक ए लैम्प, द मून लाइक ए बो, द मून लाइक ए ओ, एक आपको जो है पोएम में ही दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको भर दिया। ठीक है, आप भी इसको ऐसे ही भर सकते हैं। अगला है ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स में सबसे पहले आपको भरना है ट्रू, अगला है फॉल्स, ट्रू ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू मतलब सही। ठीक है, ट्रू मतलब क्या है, ये सही सेंटेंस है, और फॉल्स मतलब होता है कि ये जो है आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपसे कहा गया है कि लुक एट द पिक्चर एंड रीड द बर्ड। तो देखो ये पिक्चर दी गई है, ये बर्ड दिया गया है, तो इसको पढ़ना है आपको। तो लिखा है द सन, ठीक है, इधर लिखा है द मून। ठीक है, अगला क्या है, द हिमालय, ठीक है, और द गंगा। फिर इसके बाद क्या दिया गया है, द ताजमहल और द कुतुब मीनार। ये कहाँ है, ताजमहल आगरा में, और कुतुब मीनार कहाँ है बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कुतुब मीनार किस शहर में स्थित है, बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, देखिए अगला है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें ए एंड द जो आर्टिकल होते हैं, ए एंड द, इनका उपयोग करना है। सबसे पहले भरना है आपको इधर द ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल, तो द भरना है। ठीक है, अगला है द मून्स लाइक ए भरना है इधर, इन लैम्प इन द एयर। ठीक है, तो इधर द और इधर ए। अगला क्या है, इधर बनना है द सन इज शाइनिंग द स्काई। ठीक है, अगला है एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। ठीक है, एम फुल मून लुक्स लाइक एन ओ। ठीक है, अगला है द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज एन। ठीक है, अब हम इस पे चलते हैं। अगला क्या है, लर्न दिस पॉजिटिव डिग्री है इधर कंपेरेटिव और स्मॉलर। स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट सबसे बड़ा। ठीक है, तो इधर ये जो है सबसे छोटा है, उससे छोटा और सबसे छोटा, इस तरह से डिग्री दी गई है, इनको आप लिख सकते हैं और इसकी जो है आप लिख कर इनको याद कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं अगली चैप्टर में, टेक केयर, बाय बाय।